तो जाहिद के साथ आज मैं भी डाइट लेने आ गया हूँ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो भी लाइटिंग के साथ। बाकी मैंने उस पे से कैमरा हटा दिया भाई, सब्सक्राइबर्स को भी देखने में घिन होना लगेगा। जानवर है वो भी यार, अल्लाह की पैदा की हुई एक चीज है वो भी। उसी बात पे शायद हाथ में लेके बताएंगे चिकन। चलो वो बात अलग है कि मैं जानवर को तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए हाथ नहीं लगा के। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ शाम को 7 बजे। जब भी मैं व्लॉग शुरू करता हूँ ये ट्रैक्टर ज़रूर आ जाते हैं या कोई ना कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है जिसका बहुत शोर होता है, फिर बंद करना पड़ता है मेरे को। और आज हमारे यहाँ पर अली चाचू आए हुए हैं, हानिया के अली चाचू, पर हानिया नहीं है। अभी मेरे मामू आए थे तो अली का जाने का ही दिल नहीं हो रहा था तो इसको इधर ही छोड़ गए। और ये इसको रुके को 2 घंटे तो हो गए होंगे अम्मी। 5 बजे गए थे। क्या 8 बजे अभी क्या, तो इसको काफ़ी टाइम हो गया और मस्त खेल रहा है ये। अभी अली चाचू बस 1 साल के हुए हैं ना अली चाचू। ये हानिया के बर्थडे वाले दिन हुए थे, ये हानिया के बर्थडे वाले दिन हुए थे 19 मार्च को। हानिया से 2 साल छोटे हैं ये। हानिया 2 साल की हुई थी जब ये 1 साल के हुए। हाँ है ना अली चाचू, हानिया के अली चाचू आप। किसके अली चाचू हो, किसके अली चाचू आप, छोटे से अली चाचू। हानिया है ना, इसको कभी भी नाम लेके नहीं बोलती है। दूसरे बच्चे हानिया के बराबर बच्चे अली अली बोलते पर हानिया इसको हमेशा अली चाचू बोलती है। क्योंकि मैंने भी इसको स्टार्टिंग से अली चाचू बोला है तो फिर हानिया के साथ हमारे भी अली चाचू हो गई है। हम भी अली चाचू बोलते तो हानिया को फिर आदत होगी धीरे धीरे। भाई के पास आ गए अली चाचू, सब समझते हैं ये भी। देखो ये बनेगा ब्लॉगर, असली ब्लॉगर। तो उम्र तक इतनी उम्र में शर्मा जाता था। अब मिक्सर चल गया भाई, घर में मिक्सर चल गया तो। भाई घर का काम तो करना पड़ेगा यार, देखो मिक्सर हो या कुछ भी हो काम तो करना पड़ता है ना, खाना तो बनाना पड़ेगा तभी तो हम खाएंगे, तभी तो हमारी भूख मिटेगी। अली चाचू रिमोट ले रहे हैं। अली चाचू को रिमोट चलाना आता है पता है, रिमोट चलाते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी देख ऐसे करके टीवी चालू करते हैं। ऐड आ गया तो बोल रहे ऐड स्किप करो। हां ऐड आ गया, लो ऐड स्किप कर दो। लो जब से अली चाचू है जब से नात लगी हुई अपने घर में, ये नात सुनता है ना। हम छोड़ने चले जाएंगे तो तुम घर पे रहोगे तो दूध ले लेना। मेरा कंफर्म नहीं है मैं रहूं ना रहूं घर पे। अगर नहीं रहोगे तो फिर हमको दूध लेके जाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि आज संडे है, आज मेरा दोस्त आ सकता है। अभी आया था ना, अभी आया था पर हम वीडियो बना रहे थे तो चले गया था, अब वापस आ सकता है। अच्छा ठीक है, अब संडे के दिन तो तुमको भी इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। वो भी शाम हो गई, अभी तो शाम हो गई, दिन भर से तो गर्मी है। शाम भी नहीं रात ही हो गई। आप खुद लगा लोगे, तुम भी इस क्रेजी एक्सपायरी डेट देखोगे तुम्हारे भाई की तरह। बंद हो गया, खुद ही चला रहा है रिमोट। क्या हुआ अली, बंद हो गई टीवी? अली अली क्या हुआ, हाँ क्या बोल रही थी अम्मी तुम? छोटे भाई डिस्टर्ब मत करो उसको। ये बटन दबा दिया वापस से भाई साहब, बंद हो गया। लाओ फुप्पो को दो, फुप्पो चालू करके देगी। तो जब बंद हो जाता है तो रिमोट फिर वापस हमारे हाथ में दे देता है और बोलता है चालू करके दो। उधर जाना है तो अभी हम आए हैं हमारी प्रॉपर्टी का टैक्स पे करने, चलो चलते हैं। लाइन लगी यहाँ पर तो टैक्स पे करने वालों की लाइन लगी यार, क्या बात है। अच्छा लगा देख के, टैक्स भरने वालों की भीड़ देख के अच्छा तो लगा था, लेकिन हमें टाइम बहुत लग गया, आधा घंटा। बंद है तो खुली। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्टूडियो में, वीडियो शूट कर रहे थे और अब एडिट करने बैठे हैं।
फैजान एक वीडियो एडिट कर रहा है, एक साहिल एडिट कर रहा है, मैंने एडिट कर लिया और फिर मुझे याद आया अपना ब्लॉग चैनल भी है तो थोड़ा ब्लॉग भी बना लेते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दूँ। और फिर मुझे दिख गई है ये छिपकली पर्दे के ऊपर चढ़ चुकी है। अब इसको देख के बहुत अजीब सा लगता है भाई, डर सा लगता है। पास से तेरे ऊपर गिर गई तो क्या करेगी माँ, मरेंगे तो नहीं चमक जाएंगे, उछल जाएंगे, कूदेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन मरेंगे नहीं ऐसा। मेरे फोन पे नहीं लगना चाहिए छिपकली। लाइट ऑन करके दू क्या? लाइट तो होनी है। चल लाइट ऑन करके दिखा, ये वाली लाइट ऑन कर ले। ये देखो भाई कहाँ गई, कहाँ गई? मैंने क्या बोला था, उछलेंगे कूदेंगे चमकेंगे लेकिन मरेंगे। ये रही भाई छिपकली। लाइट बढ़ा ना, लाइट बढ़ा। हम यहाँ पर घर में बैठ के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो भी लाइटिंग के साथ। आंखें सफेद और उसकी स्किन का पूरा टेक्सचर दिख रहा है लाइट ऑन करने के बाद। इसका फेस ही दिख रहा है इसका। उसके पेट में भी कुछ है भाई, भाई बच्चा अच्छा तो नहीं होने वाला है उसका। जो फेस है ना उठा रखा है, उठा ये कुछ अलग, कुछ अलग प्रजाति की है भाई, कुछ अलग प्रजाति की है भाई। आंखें सफेद है उसकी, वो तो पर्दे के ऊपर है और इतनी गौर से देख रहे हो तुम तो बोल रहे हो। पेट में कुछ काला काला सा दिख भी रहा है। इतनी लाइटिंग में अपन पहली बार देख रहे हो, लाइटिंग की वजह से ना उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट शरीर हो गया उसका, बॉडी। बाकी मैंने उसपे से कैमरा हटा दिया भाई, सब्सक्राइबर्स को भी देखने में घिन होना लगेगा। जानवर है वो भी यार, अल्लाह की पैदा की हुई एक चीज है वो भी। वो बात अलग है कि मैं जानवर को तकलीफ नहीं देना चाहता, इससे मैं हाथ नहीं लगा सकती। तुम लगाना चाहोगे यार, तुम लगाओ ना हाथ उसको, दोस्त जाओ ना टच कर। ऊपर चली गई। अरे मैंने सुना है अंडे, अंडे के छिलके लगाते हैं ना। हाँ यार यहाँ पे अंडा रखना पड़ेगा। अंडे के छिलके नहीं, अंडा रखना पड़ता है बड़े साइज का, तो वो समझती है किसी बड़े जानवर का अंडा है तो वो नहीं आती है। मुझे तो छिलके का पता चला। छिलके छिलके नहीं, अरे भाई अंडा खा लो, छिलका लगा दो, वेस्ट क्यों करना, छिलका है तो खा। हाँ छिलका वैसे बड़े साइज का, बड़े साइज का उसको ऐसा खोलो कि वो ऐसे अंडे ही लगे। ऊपर से थोड़ा सा होल कर दो उसमें, ऐसी जगह लगा दो कि वो गोल गोल। वो लोग पीते हैं ना जैसे कच्चा अंडा पीते हैं जो लोग, ऊपर से थोड़ा होल करके वैसा होल कर दो, उल्टा करके रख दो उसको, वेस्ट क्यों करना। तो अभी मैं आया था मेरे फ्रेंड के साथ उसको फोन दिलाने। मैंने आपको बताया था फोन जब भी लेना होता है तो मुझे ही दोस्त लोग याद करते, लेकिन यहाँ पर तो स्टोर बंद है, MI का स्टोर बंद, कोई भी नहीं है भाई। एजेंसी देखा था। चलो तो फोन तो हमें ऑनलाइन ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे, बस ये कि दो चार दिन वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं मिल पाएगा। बाकी ये मॉल है C21, हमारे घर के सबसे करीब यही मॉल है। तो जाहिद के साथ आज मैं भी डाइट लेने आ गया हूँ। जाहिद की डाइट है भाई तंदूरी चिकन। तो दोस्तों दिस इज नेक्स्ट डे और अभी हम बैठ रहे हैं खाना खाने। लंच में आज बनाए स्पेशल दाल बाटी। ये देखो मस्त कुरमुरी सी बाटी और अपनी दाल, और ये कचूमर है, इसमें प्याज मिला दी हमने। वो सब लोग पूछ रहे थे कि कचूमर किसे कहते हैं, कचूमर किसे कहते हैं बता दो, उसकी रेसिपी बनाना भी बता देंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, केरी से बनता है, कच्ची केरी से, खट्टा मीठा होता है, बढ़िया लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सिंपल सा छोटा सा ब्लॉग था और वक्त नहीं था तो ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।